सर स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे G20 यानी आपको 26 सितंबर 1999 की इसकी स्थापना की गई। ग्रुप ऑफ 20 विश्व के विकसित और विकासशील देशों के लगभग 20 देशों का यह एक समूह संगठन है। इसमें यूरोपीय यूनियन भी है और इसके साथ ही 19 देशों का एक औपचारिक समूह भी इसमें शामिल है। तो इसका प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने पर यहाँ पे चर्चाएँ की जाती है। तो ये पहले जो था वित्त मंत्री और विभिन्न जो देशों के केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते थे उसमें ये भाग लिया करते थे। लेकिन वर्ष 2008 में जो मंदी आई थी, उस मंदी के बाद दुनिया के जितने भी शीर्ष नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो इसमें भाग लेने लगे और यह प्रतिवर्ष फिर आयोजित होने लगा। इसके जो सदस्य देशों हैं उनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, ठीक है ना, इसके बाद सऊदी अरब, तुर्की, रूस, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। अब देखेंगे कि G20 जो है विश्व के GDP का लगभग 85% है, व्यापार का 75% है और लगभग विश्व की 2/3 आबादी इसमें शामिल हो जाती है। अब 2022 में जो G20 सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, 2023 में भारत में हो रहा है और 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एक वर्ष G20 एजेंडा संचालन होता है। एक वर्ष तक इसमें दो ट्रैक होते हैं, एक वित्तीय ट्रैक होती है, एक शेरपा ट्रैक होती है। G20 के संचालन में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है वित्तीय ट्रैक, जिसमें वित्त मंत्री और जितने भी केंद्रीय बैंकों के गवर्नर होते हैं वो भाग लिया करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। इसके बाद जो शेरपा ट्रैक होता है, शेरपा का मतलब होता है जो हिमालय पर्वत में जो आपको ट्रैकिंग गाइड होते हैं उनको शेरपा कहा जाता है। तो ये शेरपा ट्रैक होता है, नेतृत्व करता है, जैसे भारत में 2023 में हो रहा है। तो इसमें जो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, वो मुख्य शेरपा हैं, नेतृत्व करता है, जिनके नेतृत्व में ये सारा आयोजन हो रहा है। अब इसके अगर लोगों को देखें G20 को, तो राष्ट्रीय ध्वज के रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरे और नीले से प्रेरित है। इसमें आप देखिएगा, इसके पिक्चर में देखिएगा कि राष्ट्रीय जो पुष्प कमल है, ठीक ना, उसके ऊपर पूरी पृथ्वी के ग्रह को रखा गया है, ठीक ना। और चुनौतियों के बीच, यानी कि यह पृथ्वी ग्रह के साथ साथ विकास के चुनौतियों के बीच आपको सारा डेवलपमेंट कराना है। इसके जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रखा गया है। अब यहाँ देखेंगे इसमें G20 में जो अतिथि देश हैं उनमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका G20 का जो शिखर है, ये सबसे पहले 2008 में वाशिंगटन में हुआ था, जहाँ पे PM प्रेसिडेंट से मिले थे। इसके बाद 2009 में लंदन में, इसके बाद आपका पिट्सबर्ग, फिर कनाडा, इसके बाद सियोल फ्रांस, इसके बाद लास काबोस मैक्सिको में है, वहाँ पे सेंट पिट्सबर्ग में 2013 में। नवा जो हुआ था ब्रिस्बेन में हुआ था 2014 में। इसके बाद तुर्की में हुआ था, तुर्की में दो जगह, एक सेरिंग, एक एंटालिया में। चीन के हांगजो में 2016 में हुआ था। हैम्बर्ग में 2017 में G20 की मीटिंग हुई। फिर ब्यूनस आयर्स में, फिर ओसाका में, रियाद में, फिर रोम में। 17वां जो सम्मेलन हुआ था 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। 18वां जो है भारत में हो रहा है 2023 में, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि G20 सदस्यों को 5 भागों में विभाजित करते हैं, 5 ग्रुप बनाए गए हैं। तो पहला ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अमेरिका है। दूसरा समूह में भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की है, तुर्की का नाम बदल के अब तुर्की हो गया है। समूह 3 जो है वो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको में है। समूह 4 में 5 जर्मनी, इटली, UK है। समूह 5 में इंडोनेशिया, चीन, जापान और कोरिया है। अब भारत में आप देखे होंगे कि G20 के जो लोग आए हुए हैं वो अलग अलग शहरों में मीटिंग कर रहे हैं, ठीक ना। तो 2023 में जो बैठक हुई, सबसे पहले शेरपा जो बैठक हुई थी वो आपका उदयपुर में हुई थी। वित्त और बैंक से संबंधित मामलों पे चर्चा करने के लिए बेंगलोर में, विकास से संबंधित डेवलपमेंट पे चर्चा करने के लिए मुंबई में, फिर स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा करने के लिए G20 के जो सदस्य आए हुए हैं तिरुवनंतपुरम में, वास्तुकला से संबंधित चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ में, इसके बाद शिक्षा से संबंधित चेन्नई में, रोजगार से संबंधित जोधपुर में, और सतत वित्त से संबंधित गुवाहाटी में, पर्यटन से संबंधित कच्छ किरण में, पर्यावरण, जलवायु, वायु से संबंधित बेंगलुरु में, कृषि से संबंधित इंदौर में, डिजिटल इकोनॉमी से संबंधित लखनऊ में, संस्कृति से संबंधित खजुराहो में, G20 के जो विदेश मंत्री हैं उनका जो सम्मेलन हुआ है आज दिल्ली में, एंटी करप्शन पे गुरुग्राम में, व्यापार व निवेश से संबंधित मुंबई में, और आपदा प्रबंधन से संबंधित जो चर्चाएं, जो बातें हैं वो गांधीनगर में हुई हैं।
ये पूरा का पूरा एक G20 का आपका कंप्लीट रहा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।